ओम शांति। आज 11 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको समझा रहे हैं कि तुम बच्चे बेहद के वैरागी बनो। बेहद का वैराग अर्थात दुनिया में रहते हुए सब कार्य करते हुए बुद्धि उपराम रहे, और उसके लिए स्मृति रखनी है कि अब इस दुनिया का केस होपलेस है, अब वापस घर जाना है। इस देह से दुनिया से ममत्व मिटा देना है, इस कब्रिस्तान से क्या दिल लगानी। बाबा कहते बच्चे तुम इस समय स्वधर्म में टिको। देहाभिमान में आने से भूले होती हैं, देहाभिमान में आने से माया उल्टे कर्म कराती है। बाबा सुकर्म करना सिखाते हैं, बाबा ऐसे कर्म करना सिखाते कि कभी कर्म ना कूटने पड़े, अर्थात सुकर्म बनते जाएं। जो बच्चे याद में रहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, तो पापों का बोझ उतर जाता है। बाबा कहते बच्चे अब सुलटे बनो, उल्टे नहीं बनना। देहाभिमान में आना अर्थात उल्टे बन जाना, पहले उल्टे थे अब सुलटे बन जाओ। ज्ञान सागर बाबा हम सबको ज्ञान स्नान करना सिखाते हैं, जिससे स्वर्ग की परी बन जाते हैं। आप आत्माएं ही पार्वतियां हैं जो इस समय अमर कथा सुन रही हैं। बाबा कहते मुझे ज्ञान देने के लिए साकार माध्यम चाहिए, मैं ब्रह्मा तन के द्वारा तुम बच्चों को अपनी पहचान देता हूँ। बाबा की महिमा अलग है, देवी देवताओं की महिमा अलग है। इस समय बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, उसके लिए बाबा कहते दैवी गुण धारण करो, फिर से देवता बनने के लिए दिव्य गुणों का स्वयं में आह्वान करो। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है। कौन मिला है? अल्लाह मिला है, तो सुलटे बनो अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। तुम्हें अभी अल्लाह मिला तो सुलटे बनो अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। क्वेश्चन है किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है, ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई। पुरानी दुनिया होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है, ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो नई दुनिया स्थापन हो रही है, इस ज्ञान यज्ञ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हें दिल इस कब्रिस्तान से नहीं लगानी। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत, बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहां शांति में रहते हैं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं, बाप तो सदैव पावन है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, ये उनकी महिमा है ना। वह सर्व का बाप है, सबका सदगति दाता है, तो सबका बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जो स्वर्ग का वर्षा देंगे और देंगे भी जरूर नरक में। नरक का वर्षा दिया रावण ने,
इस समय सब नरकवासी हैं, तो जरूर वर्षा रावण से मिला। नरक और स्वर्ग दोनों हैं, ये कौन सुनाते हैं और कौन सुनता है? ये बातें कौन सुना रहा है? बाबा बच्चों को सुनाते हैं, आत्मा सुनती है। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती, परंतु देवमान के कारण समझते हैं कि शरीर सब कुछ करता है। बहुत गहरी समझने योग्य बात। जैसे देखने का कार्य कौन कर रहा है? ये आंखें स्वयं नहीं कर सकती हैं। सुनने का कार्य कौन कर रहा है? आत्मा कानों से सुन रही है, आंखों के द्वारा देख रही है। देवीमान के कारण सोचते हैं शायद ये देह सब कुछ करती है। आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं, ये भी समझाना चाहिए। सच खंडी फिर झूठ खंड बनता है। भारत सच खंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड बनता है। ये तो कॉमन बात है, मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई। इसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। इसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको फिर पुजारी बनकर पुकारने लगते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उसको भूल जाते हैं, फिर पुकारते हैं। बाप कहते हैं, ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बन जाते? आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, कल की ही बात है, परंतु मनुष्य भूल गए। ये शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता। सत्यों में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग काग्विष्ठा के समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, और इसका नाम है दुख धाम। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सैमी दुख धाम। यह है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसे दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहां हिंसा की कोई बात नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, यहां है हिंसा। पहली पहली हिंसा काम कटारी चलाना। सत्यों में विकारी कोई होता नहीं, उनकी महिमा गाते, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते। आप संपूर्ण निर्विकारी हो, 16 कला संपूर्ण हो। ये कलयुग है आयरन एज्ड वर्ल्ड, इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सत्युग है शिवालय, वहां सब हैं पावन, जिनके भी चित्र हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दिए, वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते। बाबा क्या कहते? मुझे अपना परिचय देने के लिए, रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाने के लिए स्वयं आना होता है, मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। बड़ी हृदय स्पर्शी बात कि बाबा हम सबकी सेवा के लिए आते हैं, हम सबकी सर्विस करते हैं। तुम मुझे बुलाते हो पतित पावनाओ, सत्यों में नहीं बुलाते हो। इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती। मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूं। आजकल तो महाराजा बादशाह भी है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हम भारतवासी साल्वेंट थे, हीरे जवाहरात के महल थे, नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी। हर चीज पुरानी तो होती ही है, जैसे मकान नया बनाते फिर आखिरी तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है। हर चीज सतो रजो तमो होती है। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता ये भी नहीं जानते। राजा रानी है नहीं, या है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सत्युग में है यथा राजा रानी,
फर्क तो होता है ना, यहां पर राज्य और वहां का राज्य दोनों में अंतर है ना। सत्यु के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं, आवश्यकता ही नहीं। इस समय शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वो पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती जिससे ऊंच पद पाते, फिर कोई से राय लेंगे नहीं। वहां वजीर होते नहीं, वजीर तब होते जब वाम मार्ग में जाते, अकल चट हो जाती। मूल बात है विकार की, देहाभिमान से विकार पैदा होते, उसमें काम है नंबर वन। बाबा कहते ये काम शत्रु है, उस पर जीत पानी है। बाबा ने बहुत बार समझाया अपने को आत्मा समझो, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में है। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मैं मस्तक में विराजमान ज्योति बिंदु सितारा हूं। मस्तक से प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। बावनी का तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा हैं, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में होते हैं। न्यायिक कर्मों को कूटना होता सत्यु में नहीं, वह सुखधाम। बाबा आकर तुम बच्चों को सुखधाम, सुखधाम शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाबा आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि होकर बैठो, देह अभिमान छोड़ दो। ये देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो, ये ज्ञान किसी में नहीं। तुम अविनाशी आत्मा हो, ये देह पार्ट बचाने के लिए है, ये ज्ञान सब भूल गए। बाबा याद दिलाते अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सदगति होती। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते, विकार में चले जाते। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। फिर बाप वर्षा देने आए हैं जिससे पवित्रता सुख शांति सब मिल जाता। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान, नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता। ऑफिस में बैठा होगा तो बुद्धि नए मकान में ही होगी। वह हद की बात, बेहद का बाप नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते इस पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, मुझ एक संग जोड़ो, तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने मैं आया हूं। ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वा होनी है। ये सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया, फिर नया बनता। तो बाबा कहते ये है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी होपलेस है। कब्रिस्तान बनना है, फिर इसको याद क्यों करना चाहिए? जब पता है कि दुनिया विनाशी है फिर इसको याद क्यों करना चाहिए? यह बेहद का सन्यास, वह हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया का भी सन्यास करते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती। बाबा कहते हैं मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं, आप बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूं, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं। मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए, आप पतित दुनिया पतित शरीर में आ जाओ। निमंत्रण देखो कैसा दिया, पतित बनाने वाला रावण है जिसको जलाते रहते, ये बड़ा कड़ा दुश्मन है। जब से रावण आया तुम्हें आदि मध्यन दुख मिला, जब से रावण आया तुम्हें दुख मिला, विषय सागर में गोते खाए। अब बाबा कहते विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए, कितने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को मैं पावन बनाने के लिए आया हूं, मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में बाबा को ढूंढते थे, पुकारते थे, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते अब
उल्टे हो गए हो, सुलटे बनो। देह समझने लगे, उल्टे हो गए हैं आत्मा और देह समझते हैं, अब सुलटे बन जाओ। मीठे मीठे बच्चे, बाप कहते हैं यहां तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, आत्मा समझ के बैठो। तुम्हें अल्लाह बाप मिला जो तुम्हें सुलटा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये भी एक नाटक है, ये ज्ञान बाबा बैठ बताते। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। भक्ति का अर्थ है भावना, ज्ञान का अर्थ है विवेक। भक्ति करते करते भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। कहते हैं एक तालाब है जहां स्नान करने से परियां बन जाते हैं। फिर कह देते पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या, ये तो बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग, इसको काटू का जंगल कहते हैं। बाप को जानते नहीं, कहते परम पिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं, तुम भी नहीं जानते थे, तुम्हें बाबा ने आकर सुलटा बनाया। भगवान को अल्लाह कहा जाता, अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पढ़ देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, ये तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने इनको पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्से के हकदार हो। मनुष्य घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है। कहते कलयुग तो भी रेगड़ी पहन रहा है, जैसे छोटे बच्चे घुटने के बल पर चलते हैं, ऐसे ही छोटा बच्चा है। सोचते हैं बहुत वर्ष पड़े हैं, कितना अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं, ये भी खेल है। सोजरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता, ये भी तुम ही समझते हो, समझा सकते हो। पहले पहले हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप हर एक को होते हैं, हद का बाप हद का सुख देते, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया नरक, ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब मैं आकर पार्ट बचाता हूं। मैं हूं निराकार, मुझे मुख जरूर चाहिए। श्री बाबा कहते मैं निराकार हूं, मुझे मुख जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़े होगा, मैं मुख इनका लेता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा इनके तन में, बाबा कहते मैं आता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इनके द्वारा सारा ज्ञान देता हूं सृष्टि के आदि मध्यंत का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप तथा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है, ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को दोष नहीं देते हैं, अपकारी पे भी उपकार करते हैं, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, एक्यूरेट बना हुआ है। जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है, ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को दोष नहीं देते, अपकारी पे उपकार करते हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ड्रामा में किसी का दोष नहीं, एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान है हर कदम में, वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है,
वरदानों की पालना से पलते हैं, बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति होना, इसे ही वरदान कहा जाता। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति होना, इसे ही वरदान कहा जाता। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए, हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है, सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हें हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त होते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहते हैं। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए, हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है, सदा मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। जैसे समय तीव्र गति से चल रहा है, पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्र करो। आज हम सब अभ्यास करेंगे हर कदम में वरदानों से पलने वाली, मैं अधिकारी आत्मा हूं। बाप दादा के वरदान हमारी एक दिव्य पालना है, जो कल्प में एक बार मिलती है। परमात्म पालना आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। संगम पर बाबा ने मुझे वरदान ही वरदान दिए हैं, दृष्टि से वरदान, बोल से वरदान, श्रेष्ठ कर्मों से भी वरदान। महसूस करें, मैं वरदानों से पलने वाली अधिकारी आत्मा, मेरी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरपूर है। परमात्मा शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही हैं। इन शक्तियों से मैं सदा की अधिकारी बन गई। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अधिकारी आत्मा बना दिया। हमें उल्टे से सुल्टा बना दिया, आत्मिक स्वरूप में स्थित कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।